भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आज कितने दिनों बाद चैन की नींद मिली है रमा को, सोने देता हूं। मेरी परीक्षा के चक्कर में ये भी बहुत परेशान थी, कम से कम आज थोड़ा आराम कर ले। मैं तैयार हो जाता हूं और अपना दर्द भूलकर आज मैं सबके लिए चाय बनाता हूं। सुमित, नहीं, मां, मार दूंगा, नहीं, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुम्हें, सुमित, छोड़ूंगा, नहीं, नहीं छोड़ूंगा तुम, सुमित, सुमित, मार दूंगा तुम्हें, सुमित, तुम, और, जान ले लूंगा तुम्हारी। कैसे समझाऊं आपको कि आप गलत समझ रहे हैं? मैं उस लड़के से बस दो ही बार मिली, वो भी इत्तेफाक से, और मैं जानती हूं जरूर आई ने ही उस लड़के का इस्तेमाल किया होगा हमारे बीच दरार डालने के लिए। मुझे बिना समझे ये मान लिया कि मैं उस लड़के से प्यार करने लगी हूं। आपको मुझ पे इतना भरोसा तो होना चाहिए था। रही थी क्योंकि मैं जाग गया। मन में तो यही सोच रही होगी ना कि मैं सोते सोते मर क्यों नहीं गया। ताकि तुम उस सुमित के साथ जा सको। नहीं बाला, ऐसा कुछ नहीं है। करुणा इतनी भी चरित्रहीन नहीं है कि तुम्हारे मरने की कल्पना करे, है ना? क्यों नहीं? क्या आप नहीं जानती ये कितनी गिरी हुई है? अगर ये मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को घर में बुला सकती है तो ये कुछ भी कर सकती है। कहाँ जा रही हो? हाथ छोड़िए मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ना, छोड़िए मेरा हाथ। मैंने कहा ना, पहले जवाब दो। यही सोच रही थी ना तुम? छोड़िए। आइंदा से मेरे चरित्र पर सवाल करना हो तो मुझसे बात मत कीजिएगा।
क्योंकि मेरे चरित्र पर उठे किसी सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगी। हो जाएगा बाला, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं भी औरत हूं, इसलिए एक औरत को अच्छी तरीके से समझती हूँ। अगर कोई पति अपनी पत्नी को ज्यादा प्रताड़ित करे ना, तो वो औरत गुस्से में आकर सच बोल ही देती है। ठीक है फिर, अब मैं इस करुणा को इतना प्रताड़ित करूंगा कि वो खुद होके बोल देगी कि उसका चक्कर उस सुमित के साथ चल रहा था। ठीक हो जाएगा। बाला भैया को अच्छे से समझाना होगा। नहीं भीम भाव, उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई मैं लड़ लूंगी। भाभी, मैं दूध लेकर आती हूँ। नहीं लक्ष्मी, मुझे दो, दूध लेने मैं जाऊंगी। आप मत जाइए, वरना क्या पता पाला भैया फिर आपको कुछ कहे। अब जो कहेंगे सो कहेंगे, मैं ही दूध लेने जाऊंगी। हाँ भाभी, करुणा भाभी को ही जाने दीजिए। किसी व्यक्ति से डर के अपना सही फैसला बदलने की जरूरत नहीं है। भाभी आप ही जाइए। हाँ तो भीमबाव अभी क्या कर रहे हैं? लाइए मैं एक चूल्हा जला देती हूँ। मेरी पत्नी हमेशा ये काम करती है। आज मैंने सोचा कि पत्नी का काम मैं कर लेता हूँ, तो आज मैं सबके लिए चाय बना रहा हूँ। लेकिन आपके हाथ का घाव ठीक नहीं हुआ है। चाहे जो हो जाए, चाय तो मैं ही बनाऊंगा आज सबके लिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको चूल्हा जला कर देती हूँ और चाय पत्ती और गुड़ भी निकाल कर देती हूँ। तब तक करुणा दीदी भी दूध ले आएंगी, फिर आप चाय बना लेना। ठीक है? ठीक है। अब आप आराम से चाय बना लीजिए, मैं आती हूँ। भाभी, क्या बात है? आज बड़ी फिक्र हो रही है पत्नी के। पत्नी के हिस्से का भी काम करने लगे। फिक्र तो हमेशा से है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं सबके लिए चाय बनाता हूँ। आप ना कभी कभी जिद करने लग जाते। हटिए, मैं बनाती हूँ चाय। नहीं, मैंने कहा ना मैं चाय बनाऊंगा, तो मैं ही चाय बनाऊंगा। जा, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर जाएंगे। क्यों, कहाँ जाना है? सोच रहा हूँ कि आज कुछ काम ढूंढने चलते हैं। और मुझे याद है कॉलेज में मैंने तुम्हें क्या वचन दिया था, ग्रेजुएशन की परीक्षा होते ही तुम्हें दरिया किनारे घूमने ले चलूंगा। तो दरिया किनारे भी जाएंगे आज। जा, तैयार हो जा। ये मानेंगे ही नहीं, बना लेने देते हो चाचा। हमारी कितनी फिक्र करते हैं,
और एक पत्नी को पति के फिक्र से ज्यादा और चाहिए भी नहीं। भाऊ रुको, कुछ चंदा चाहिए। चंदा? किसका चंदा? भीमराव का नाम सुना है? अच्छा, वो भीमराव जो हम ऊंची जाति वाले से बराबरी करना चाहता है छोटी जाति का, लेकिन नाटक बहुत करता है। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उसे। बिल्कुल ठीक समझा, वही भीमराव। और ये चंदा इसीलिए कि पैसे देकर उस भीमराव को ग्रेजुएशन में फेल करा दें और उसे उसकी सही जगह दिखा दें। इसीलिए पैसे देकर कुछ मदद कीजिए। फेल हो जाए तो अच्छा है, वरना अगर डिग्री मिल गई उसे तो ऐसे ऐंठ के चलेगा कि हमारा स्वाभिमान रोज रोज उससे टकराएगा। हाँ, करा दो उसे फेल। ये लो मेरी तरफ से। ये पहली बार देखा है कि छोटी जात के लिए ऊंची जात वाले लोग सब चंदा दे रहे हैं। चलिए भाऊ, अभी और भी जगह चंदा मांगना है। ये कहां जा रहा है? पता नहीं, चलिए देखते हैं। जी नमस्कार, मुझे विदेश पढ़ने जाने की प्रक्रिया को समझना है। अच्छा, वो साहब दिख रहे हैं ना, उनके पास जाओ। जी। नमस्कार, मुझे विदेश पढ़ने जाने की प्रक्रिया को समझना है। कौन जाएगा? तुम जाओगे? नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरा बेटा जाएगा। हाँ काका, हमें भी किसी को विदेश भेजना है पढ़ने के लिए, तो कितने पैसे लगेंगे? ये बताइए ना साहब, अब जिनकी औकात नहीं है वो भी विदेश जाने के सपने देख रहे हैं, तो हम तो पूछ ही सकते हैं। क्यों? हाँ हाँ, खर्चे का बिल देता हूँ, खड़े रहो। पता नहीं ये छोटी जात के लोग बड़े बड़े सपने कैसे देख लेते हैं। हेलो, इतना पैसा जमा हो तो आ जाना, अभी जाओ। दो अक्षर पढ़ने आया नहीं ढंग से कि जाएंगे विदेश पढ़ाई करने। महीपाल जी, शिशुपाल जी, इस सवाल का जवाब आप ही दीजिए तो अच्छा होगा कि मेरे बेटे को दो अक्षर पढ़ने आते हैं या नहीं। और इन्हें यह भी बता दीजिए कि मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की परीक्षा जिस हालात में दी है उसे तो आप भी चिंतित हैं। अगर मेरा बेटा पास हो जाएगा तो लोग उसे याद रखेंगे। लोग क्या, आप भी उसे याद करोगे? बता दीजिए। अरे कौन है इसका बेटा जो इतना अकड़ के बात कर रहा? भीमराव अंबेडकर। क्या, भीमराव अंबेडकर? तुम भीमराव के बाप हो? हाँ, मैं उसी भीम का बाप हूं जो हमारी जात का पहला लड़का है जिसने ग्रेजुएशन की परीक्षा दी है। अरे हाँ हाँ, पता है पता है, हमारे इलाके के कुछ लोगों ने हवन कराया है ताकि भीमराव मर जाए, और बहुत परेशान करके रखा है लोगों को। अच्छा, उसी भीम के बाप को?
अच्छा 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 काका, मैंने ठीक से सुना नहीं, लोग किस बात का हवन कर रहे थे? अरे हवन इसलिए कराया कि भीमराव मर जाए, दुखी करके रखा है लोगों को इनके बेटे ने। हमारे इलाके के कुछ लोगों ने हवन कराया है ताकि भीमराव मर जाए। अरे परेशान करके रखा है लोगों को। काका, मैंने ठीक से सुना नहीं, लोग किस बात का हवन कर रहे थे? अरे हवन इसलिए कराया कि भीमराव मर जाए, दुखी करके रखा है लोगों को इनके बेटे ने। बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं और रो क्यों रहे हैं? पता नहीं, चल के देखते हैं। ऐसे अजीब लोग हैं। अगर मेरे बेटे को पता चल जाएगा कि ये लोग उसके बारे में ऐसा सोचते हैं तो उससे कितना बुरा लगेगा। क्या पता चलेगा बाबा? हाँ, क्या पता चलेगा बाबा? और अब यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं तुम्हें ये बात कहनी चाहिए या नहीं। रमा के सामने तुम्हें कहना चाहिए या नहीं, लेकिन बताना तो जरूरी है ताकि तुम दोनों अपने भविष्य के लिए तैयार हो सको। कहना बेटा, इस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मरने की कामना कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे लोग क्यों है, लेकिन है तो सही। सरल है बाबा, ये वही लोग हैं जिन्हें मेरे विचार नहीं समझ आते। यही लोग सोचते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन फिर भी ये लोग उन लोगों से अच्छे हैं जो सच में मुझे मारने आते हैं। ये तो सिर्फ मेरे मरने की कामना कर रहे हैं। अब ज्यादा मत सोचिए इसके बारे में। जब मैं फौज में काम करता था तो मेरे साथ एक पराग नाम का अधिकारी था। उसे मेरी कभी बनी नहीं, बाद में तो हमारी बातचीत भी बंद हो गई। लेकिन जब कभी वो बीमार पड़ता था तो उसका हालचाल मैं जरूर पूछता, और वो रिटायरमेंट के बाद जा रहा था तो मुझसे मिला था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उस मुलाकात के बाद हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। लेकिन हमने अपनी खीज, अप्रियता सब रखते हुए हमने अपनी सीमा नहीं लांघी, और ये लोग अब तुम्हारी मरने की कामना कर रहे हैं। बाबा, तभी तो आप रामजी सकपाल है, वो लोग ऐसे, और जैसे आप सोचते हैं वैसे वो लोग कभी नहीं सोच सकते। हाँ बाबा,
व्यक्ति से दुश्मनी हो सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को अपनी मर्यादा का निर्वाहन करना चाहिए, तभी जाकर विरोधियों से भी रिश्ते अच्छे रहते हैं, जैसा आपका और उस अधिकारी का रिश्ता था। लेकिन ये लोग इन बातों को कभी नहीं समझेंगे। आपके हाथ में क्या है? हाँ? ये चिट्ठी? ये वो डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख कर दी है, तो उसे खरीद कर घर चला जाऊंगा। जल्दी घर जाइए, संभल कर जाइए।